प्यारे चावल बने हुए हैं इधर उधर तो बहुत चक्कर। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी बारिश हुई है, मैं अपने कज़न के घर आया हुआ था तो मैं यहीं पर फंस गया था। तकरीबन 3-4 घंटे से मैं यहीं पर बैठा हूँ। बारिश शुरू हुई थी तो अभी रुकी है, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ। ये पानी आप देख सकते हैं, जगह उस टाइम मैं घर आ गया था और मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, तो अभी मैं दोबारा कहीं जा रहा हूँ। मुझे दो दोस्त मिल गए हैं तो उनके साथ कहीं जाते हैं। गई ये तालाब आपको पिछली बार दिखाया था, उस वक़्त ये खाली था और अभी ये फुल हो गया, बारिश हुई हैं तो ये देखें, ये इसमें भैंसे वगैरह पानी पी रही हैं। हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे हम आपको पहले ब्लॉग में लेके गए थे। ये उस मस्जिद में हम जा रहे हैं जो उस वक्त ज़ेर तामीर थी और उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज उसका कंप्लीट हो गया काम और दूसरा उसका इफ्तिताह वगैरह, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। रास्ते पे बहुत ज़्यादा कीचड़ बना हुआ है। अरे जी हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, रश काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये चावल है, बहुत गर्म है, बोटियाँ बनी हुई हैं, ये बोटियाँ दरमियान में बहुत प्यारे चावल बने हुए हैं। बहुत गर्म है जी, उंगलियाँ जल गई हैं, ताज़ा माल है। ये जी लंगर चल रहा है, हम तो खा के इधर ऊपर बैठ चुके हैं और बहुत पसीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वो मस्जिद है जो आपको पहले व्लॉग में दिखाई थी, पहले व्लॉग में देखें, और अभी माशाल्लाह ये बन गई है। ये तमाम लोग लंगर खा रहे हैं, मस्जिद के अंदर भी चल रहा है और ये बाहर जो लोग हैं ये बाहर उनको दिया जा रहा है। कज़न को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा यार आ रहा है, बहुत ही गर्मी। उधर पंखे वगैरह नहीं थे ना, तो थोड़ा सा ऊपर से मस्जिद का व्यू है। इधर ऊपर बकरियाँ चला रहे थे, उनसे प्लेट लिया, उनको खिलाया, तो अभी ये वापस करते हैं। पहाड़ों पे थी वो बकरियाँ चला रहे थे, तो अभी मैं आपको दिखाऊं, वो सामने जो तालाब है वो आपको दिखाया था पहले व्लॉग में, वो बिल्कुल खाली था, अभी वो बारिश हुई है तो वो भर चुका है बिल्कुल। वो आदमी बोल रहा था फका फका खाए चावल, ये फका फका क्या होता है यार, मुझे तो नहीं पता। वैसे जो है ना गांव के जो लोग होते हैं ना, वो आपको पता है ना, वो जाए लेते हैं, वो उनको पता ही नहीं होता। किसी ने झाड़ियों के बेर खाए हैं, ये झाड़ी लगी हुई है इधर और इसके साथ अभी बेर नहीं है। सामने एक फार्म है, इसमें मतलब मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं लोगों ने। कौन सी किस्म डाली हुई इन्होंने, लेयर है, ये लेयर इन्होंने रखी हुई है लेयर। यहाँ तक थोड़ा सा ठीक था और यहाँ से हम खेत में चलेंगे, खेत में ये बारिश हुई है और पानी खड़ा है इधर। ये इधर बूटी सी है, हम ये देख के कन्फ्यूज़ हो गए थे कि ये मूँगफली लगी हुई है, लेकिन ये मूँगफली नहीं है, ये कोई फसली मतलब बूटी वगैरह, ये जो मौसमी जो होती हैं। ये इधर भी है, इधर कीचड़ बहुत ज़्यादा बना हुआ है। कज़न आओ इधर से जाते हैं। नहीं मेरा ख्याल है गिरना है ज़रूर। दोनों चलते ओ थोड़ा सा मैं गिरने लगा तो आप मुझे पकड़ देना थे, आप कह रहे थे मैं। चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है ठीक है। ये जैसे चावल की फसल नहीं होती इस तरह लगा हुआ है ना। अभी मजाने हो रही हैं मगरिब की, मैं अपने खेत के पास पहुँच चुका हूँ। हम वहाँ पर गए हुए थे, वो सामने मस्जिद है वो, और इस साइड पे हमारा खेत है और ये मेरा कज़न। हालत बहुत बुरी हो चुकी है, ये देखें, ओ माय गॉड, पाँव के साथ सही मिट्टी लग चुकी है। चलो इधर ज़्यादा रास्ता ख़राब है, इसमें से ऊपर जाते हैं ना, इधर से जाते हैं, इधर से इधर उधर तो बहुत चक्कर। बहुत अच्छा मतलब गुजरा है, शाम भी अच्छी गुजर गई है, और अभी कज़न मेरा घर को चला जाएगा अपने, और मैं अपने घर को चला जाऊंगा क्योंकि इसका घर का रास्ता करीब आ चुका है। ये अपने रास्ते पे हो जाएगा और मैं अपने रास्ते पे चला जाऊंगा। ठीक है जी, कज़न अभी घर को जा रहा है और मेरे घर का रास्ता इस तरफ है। उधर वो हमारी वो मकई है जो मतलब पिछले व्लॉग में दिखाई थी,
तो कज़न अपने घर को जा रहा है और मैं अपने घर को जाता हूँ। अभी उधर से आवाज़ दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। कल मिलेंगे, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये जी दोनों तरफ घास है और ये मेरे घुटनों से ऊपर ऊपर आ रहा है, शबनम के कतरे, और मेरे पांव बिल्कुल गीले हो चुके हैं। इधर से बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। ओके गाइस, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आज का व्लॉग यहीं तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।